एक प्राचीन सामान टैटू टूल को चुराने की वजह से एक टैटू आर्टिस्ट कई लोगों की जान के लिए खतरा बन जाता है। वो जिस भी इंसान पर टैटू बनाता वो मर जाता। प्यार के चक्कर में उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे टैटू बनवा लेती है। अपनी गर्लफ्रेंड की जिंदगी बचाने के लिए उसके पास बस कुछ ही घंटे हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द टैटूइस्ट, जो रिलीज हुई थी 2007 में। कहानी की शुरुआत एक कैप्शन से होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि समोआ जाति के लोगों के लिए टैटू गुदवाना, जिन्हें वो पिया कहते हैं, सम्मान की बात है। जो इसका दुरुपयोग करता है वो खुद को और अपने परिवार को शर्मिंदा करता है। समोआ जाति में शर्मसार होना मरने से भी ज्यादा बुरा है। फिल्म शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो तहखाने में है और वहीं एक बच्चा छिपा हुआ है जिसका नाम है जेकब। जेकब काफी डरा हुआ है और वो आदमी उस बच्चे का बाप है। जेकब ने अपने हाथ में पेंटाग्राम का टैटू बनवाया था जो कि एक डेविल साइन है। उसके पापा कहते हैं कि जेकब ने उनके परिवार को शर्मिंदा किया है ये टैटू बनवा के। वो एक चाकू से जेकब के हाथ में बना वो पेंटाग्राम का टैटू स्किन के साथ काट डालते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें माफ कर दे। उसके बाद हम जेकब को बेड पर सोया हुआ देखते हैं जो सपना देख रहा था, लेकिन ये सपना असल में उसकी लाइफ की सबसे दर्दनाक सच्चाई थी। जेकब एक फेमस टैटू आर्टिस्ट बन गया है। फिर हम उसे एक आदमी के घर पर देखते हैं जिसका नाम लिम है। लिम असल में अपने बेटे के शरीर पर टैटू बनवाना चाहता है। उसके बेटे की हालत काफी खराब है, इसीलिए मॉन्क ने उसके बेटे के शरीर पर टैटू बनाने से मना कर दिया था, लेकिन लिम को लगता है कि उसके बेटे को टैटू ही ठीक कर सकता है। असल में जेकब को उसके हीलिंग टैटूज की वजह से जाना जाता है। जेकब लिन से कहता है कि उसके बेटे को डॉक्टर की जरूरत है ना कि टैटू की, लेकिन लिन काफी अंधविश्वासी है। जेकब पैसों के लिए लिन के बेटे की चेस्ट पर टैटू बना देता है। फिर हम उसे एक टैटू शॉप पर देखते हैं जहां हमें जेकब की तस्वीर के साथ एक आर्टिकल दिखता है जिसमें लिखा था कि उसके बनाए टैटू से हर तरह के रोग दूर हो जाते हैं, लेकिन जैक को अपनी खुद की इस थ्योरी पर यकीन नहीं है। इसके बाद जेकब जब एक मॉल में होता है वहाँ उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम सीना है। उसके हाथ में एक गुलहर का फूल था। दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते हैं और जेकब उसका पीछा करने लगता है और वो देखता है कि समोआ जाति के लोग वहाँ किसी आदमी के ऊपर पिया बना रहे हैं। पिया समोआ जाति के पारंपरिक पुरुष टैटू का लोकप्रिय नाम है जिसे मलोफी भी कहा जाता है। ये शरीर को पीठ के बीच से घुटनों तक ढकता है और इसमें भारी काली रेखाएं, तीर और बिंदु होते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा में टैटू शब्द की उत्पत्ति समोआ जाति के टटाऊ से हुई है। ये प्रक्रिया फर्श पर लेटे हुए आदमी के साथ होती है जिसमें टैटू बनाने वाले उसके आसपास होते हैं। पिया को पूरा होने में एक हफ्ते से भी कम समय लग सकता है या कुछ मामलों में वर्ष भी। टैटू पीठ पर शुरू होता है और नाभि पर खत्म होता है जिसमें मुख्य रूप से सीधी रेखाएं और अंधेरे कवर के बड़े ब्लॉक होते हैं। इसे बनवाना काफी दर्दनाक होता है। बिना टैटू वाले सामान पुरुष को बोलचाल की भाषा में टेलुफुआ कहा जाता है जिसका मतलब है नंगा। जो लोग टैटू गुदवाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं लेकिन दर्द के कारण इसे पूरा नहीं कर पाते उन्हें पिया मुत्तु कहा जाता है, जो शर्म की बात है। यहाँ जो उस आदमी के शरीर पर पिया बना रहा है उसका नाम अलीपति है और वो समोआ से है। जेकब उससे पूछता है कि क्या वो इस पिया से किसी तरह की बीमारी ठीक करते हैं। जेकब की बात सुन वहाँ मौजूद लोग हंसने लगते हैं। अलीपति बताता है कि पिया बनवाना उन लोगों के लिए गर्व की बात है। उसके बाद जेकब बाहर आता है और बाहर रखे पिया टूल्स में से एक टूल को चुरा लेता है। जब वो उस मॉल से बाहर आता है मिस्टर लिन जेकब पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसका टैटू फेल हो गया। मिस्टर लिन वही इंसान है जिसने अपने बीमार बेटे के शरीर में टैटू बनवाया था। उसे यकीन था कि टैटू उसके बेटे को ठीक कर देगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। धक्के की वजह से जेकब के हाथ में उस टैटू टूल से कट लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेकब को नींद में बहुत ही बुरे सपने आ रहे हैं। उसे मिस्टर लिन का बेटा दिखाई देता है जो काफी डरा हुआ था और कोई आदमी जो अपने शरीर पर पिया बनवा रहा था उसे हम खून में सना हुआ देखते हैं। जेकब घबरा कर उठ जाता है। उसके बाद हम जेकब को उसके फ्रेंड की टैटू शॉप पर देखते हैं जो समोआ में है। जेकब अपने दोस्त से समोआ जाति के लोगों के बारे में पूछने लगता है क्योंकि वो सीना को ढूंढना चाहता था। असल में वो उसे वही टैटू टूल वापस करना चाहता था जो उसने उस दिन चुराया था। उसका दोस्त कहता है कि वो उन समोआ लोगों को ढूंढ लेगा। वो जेकब को रहने के लिए एक फ्लैट देता है। वहाँ शीशे में उसे किसी की परछाई दिखती है। उसके बाद जेकब अपने दोस्त की शॉप पर एक आदमी का टैटू बना रहा होता है। उसके बाद उसका एक और क्लाइंट लेजलो उसके पास टैटू बनवाने आता है। रात के समय जेकब को वही डरावने सपने आते हैं जिसमें एक लड़का पिया बनवा रहा है। वो काफी दर्द में है। अगले दिन विक्टोरिया नाम की एक लड़की अपने भाई का टैटू बनवाने उसके पास आती है और जेकब पर लाइन मारने लगती है। भाई का टैटू पूरा होने के बाद वो अपनी नाभि के नीचे टैटू बनवाती है।
एक दिन जेकब मार्केट में होता है, वहाँ उसे उसने नाम का एक लड़का मिलता है जो जेकब से बताता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मानो वो किसी स्पिरिट की बात कर रहा हो। जेकब पूछता है कौन, वो लड़का उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। जेकब को अलीपति का पता चल जाता है और वो उसे सीना के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि सीना एक नन है और उसका सीना के साथ कोई चांस नहीं है। जेकब सीना से मिलने चर्च जाता है। सीना उसे एक आर्मी जिसका नाम मिस्टर पी है उसके यहाँ कुछ सामान लेने जाती है। वहाँ जेकब को एक औरत दिखती है जो शीशे के सामने बैठी हुई थी। वहाँ से वो दोनों एक सेरेमनी में जाते हैं। ये सेरेमनी सीना के अंकल के घर पर थी। सीना के कजिन्स ने अपनी पिया कंप्लीट कर ली थी और इसी खुशी को सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ सीना और जेकब एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जेकब जब अपने रूम में आता है वो देखता है कि विक्टोरिया उसके बाथरूम में नहा रही है। दरअसल वो जेकब पर डोरे डाल रही थी। वो उसे अपने साथ पूल पार्टी में ले जाती है। वहाँ उसे विक्टोरिया का भाई ल्यूक मिलता है और वो चाहता है कि जेकब उसे उसके टैटू से मुक्ति दिला दे। वो उस टैटू से बिल्कुल भी खुश नहीं था और काफी बेचैन लग रहा था। जेकब कहता है कि ऐसा नहीं होता, टैटू परमानेंट होते हैं। फिर ल्यूक के दोस्त आकर ल्यूक को स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। जेकब जब वापस जाने लगता है उसे अपनी कार के फ्रंट मिरर में एक स्प्रिट दिखती है। उधर स्विमिंग पूल में ल्यूक की बॉडी से काली इंक निकलने लगती है जिस वजह से लोग घबरा जाते हैं और देखते ही देखते ल्यूक के शरीर से निकलने वाली इंक से स्विमिंग पूल का सारा पानी काला और फिर लाल हो जाता है। ल्यूक की बॉडी को पूल से बाहर निकाला जाता है। उसकी चेस्ट पे बने टैटू की हालत काफी खराब थी, ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई इन्फेक्शन हो गया हो। जेकब बाद में सीना से मिलता है और उसे वही टैटू टूल वापस करता है। सीना बताती है कि अलीपति ने कभी भी इस टूल को यूज नहीं किया। जेकब उसे बताता है कि जब से उसने ये टूल चुराया है उसे काफी अजीब अजीब सपने आते हैं जो उसके डेली रूटीन के सपनों से काफी अलग है और उसे मिरर में भी किसी की स्पिरिट दिखती है। सीना बताती है कि समोआ में लोग अपने घरों के शीशों को ढककर रखते हैं क्योंकि मिरर के जरिए वो आत्माओं को देख सकते थे। उसके बाद सीना जेकब के साथ उसके घर आती है जहाँ वो जेकब से उसकी बॉडी में बने टैटू दिखाने को कहती है और जेकब उसके साथ अपने टैटू से बनी मेमोरीज शेयर करता है। इस बीच सीना उसके काफी करीब आ जाती है और जेकब से उसके लिए एक टैटू बनवाने को कहती है। जेकब उसकी बैक पर एक फूल का टैटू बनाता है जो सीना को काफी पसंद था। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम बेड पर एक औरत को देखते हैं। वो देखती है कि बेड और फर्श पर काली इंक फैली हुई है। वो बाथरूम जाकर चेक करती है तो वहाँ उसके पति की लाश पड़ी थी और जेकब ने ही उस आदमी का टैटू बनाया था। अब तक इस टैटू की वजह से दो लोगों की जानें जा चुकी हैं। उधर जेकब सीना से अपने पापा के बारे में बताता है जिनसे वो 10 सालों से नहीं मिला। सीना के जाने के बाद विक्टोरिया जेकब के पास आती है और उसे बताती है कि उसका भाई मर चुका है। इसका जिम्मेदार वो जेकब को मानती है क्योंकि पूल टैटू की इंक से काला पड़ गया था। और तभी उसे लेजलो का कॉल आता है जिसका टैटू उसने बनाया था। वो फोन पर काफी अजीब अजीब बातें कर रहा था। जेकब लेजलो से मिलने उसके फ्लैट जाता है। उधर जेकब के फ्लैट पर विक्टोरिया अपने टैटू को देखती है और डर जाती है। फिर हमें लेजलो के घर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लेजलो का पूरा शरीर टैटू से ढका हुआ है। लेजलो बताता है कि उसे चीजल और हथौड़े की आवाजें आ रही हैं जिससे समोआ जाति लोगों के शरीर पर टैटू बनाती थी। और फिर हमें शीशे में एक भयानक आत्मा दिखाई देती है और लेजलो कहता है कि वो उसकी तरफ आ रही है। जेकब उसकी मदद करना चाहता है लेकिन लेजलो की हालत काफी खराब थी और जेकब वहां से भाग जाता है। जाहिर है लेजलो मर चुका है। जब जेकब वापस आता है वो देखता है कि विक्टोरिया ने पत्थर से अपने उस टैटू को काटने की कोशिश की है जो जेकब ने बनाया था। जेकब उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हम देखते हैं कि विक्टोरिया के ऊपर कोई आत्मा बैठी है। विक्टोरिया का पूरा शरीर टैटू से भर गया था। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता। हम देख पाते हैं कि विक्टोरिया की बॉडी पर वही आत्मा टैटू टूल और हथौड़े से टैटू बना रही है। विक्टोरिया का शरीर फटने लगता है और वो मर जाती है। डॉक्टर्स को लगता है ये किसी तरह का इन्फेक्शन है, इसीलिए वो वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को बाहर जाने से मना कर देते हैं। लेकिन जेकब वहाँ से भागने लगता है। डॉक्टर से रोकने की कोशिश करते हैं। जेकब उन्हें समझाता है कि ये बात डॉक्टर्स की समझ से परे है और जेकब सीना के पास आता है और उसे उसका टैटू दिखाने को कहता है। वो उसे बताता है कि जब से उसे उस टूल से कट लगा है वो जिस किसी का भी टैटू बनाता है वो मर जाता है। वो उसे उस घोस्ट के बारे में बताता है जिसके शरीर पर पिया बनी हुई थी। जेकब नोटिस करता है कि सीना का टैटू भी बढ़ रहा है। वो घबरा जाती है और पूछती है कि उसके पास कितना समय। जेकब बताता है कि बस कुछ ही घंटे। वो सीधा चर्च जाती है। वहाँ उसके अंकल उससे पूछते कि क्या हुआ। अंकल बताते हैं कि उसके शरीर में पिया बनी हुई है जो आदमियों का टैटू है जबकि औरतों के टैटू को मालू कहा जाता है। अंकल कहते हैं कि सीना ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो उसे एक क्रॉस पहनने को देते हैं और कहते हैं कि अब भगवान ही उसकी मदद कर सकता है।
उधर जेकब अलीपति के पास आता है और अलीपति को पता चलता है कि जेकब ने उसका टैटू टूल चुराया था, जिसके बाद ये सारी मौतें होने लगी हैं। अलीपति को जेकब पर काफी गुस्सा आता है और वो जेकब की मदद करने से मना कर देता है। वो जेकब को बताता है कि जिस किसी की बॉडी पर उसने टैटू बनाया है उसे पहले आवाजें सुनाई देंगी, टक टक टक, जैसे कोई उन पर टैटू बना रहा हो। फिर उन्हें विजन्स दिखना शुरू होंगे, टैटू धीरे धीरे फैलता चला जाएगा। उसके बाद टैटू की इंक उनके खून में मिलने लगेगी और इन्फेक्शन फैलने की वजह से वो इंसान मर जाएगा। उधर हम देखते हैं कि सीना के साथ साथ सब लोग चर्च में प्रेयर कर रहे हैं। जेकब उसी बच्चे से मिलता है जिसने जेकब को बताया था कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, कोई आत्मा। वो बच्चा अपने अंदर उस आत्मा को बुलाता है और हमें पता चलता है कि वो आत्मा शेम की वजह से सबसे बदला ले रही है। वो टैटू और टैटू टूल की बात करता है और जिस दिन उसे मारा गया था, किस वजह से उसे मारा गया था किसी को नहीं पता। जेकब सीना के पास आता है और वहाँ मौजूद लोगों को उसकी बैक पर बने टैटू को दिखाकर पूछता है कि क्या कोई इस डिजाइन को पहचानता है। वहाँ मौजूद एक औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि उसका पति उसे रोक देता है। जेकब उनसे कहता है कि ये टैटू तब तक बढ़ता रहेगा जब तक सीना मर नहीं जाती, या तब तक जब तक वो आत्मा अपनी शर्म से आजाद ना हो जाए। उनकी ये बातें सुनकर अंकल उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। जब वो दोनों चर्च के बाहर आते हैं, वही औरत बाहर आकर उन्हें कुछ बताने की कोशिश करती है। जेकब को याद आता है कि उसने इस औरत की तस्वीर मिस्टर पी के घर पर देखी थी। जेकब मिस्टर पी के घर पर चुपके से जाता है। वहाँ उसे मिस्टर पी और उसकी फैमिली की फोटो दिखती है। तब तक मिस्टर पी भी वहाँ आ जाते हैं। जेकब उससे पूछता है कि उसने अपने बेटे के साथ क्या किया। मिस्टर पी बताते हैं कि उनका बेटा उन्हें शर्मिंदा करके यहाँ से भाग गया था। वो पिया मुत्तू है जो अपनी पिया पूरी नहीं कर पाया। वो अपने बेटे को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन वो अपनी पिया बनवाने तुफुगा के पास गया था, जिसे लोमी की पिया बनानी थी, तुफुगा ने उन्हें बताया कि उनका बेटा उनके पास आया ही नहीं। और जिस दिन वो अपनी पिया बनवाने घर से निकला था, उसके पास बस अपने पूर्वजों का नेकलेस और शरीर पर कपड़े थे, बाकी वो कुछ भी लेकर नहीं गया। जेकब उनसे पूछता है कि उनके बेटे की पिया कौन बना रहा था। हमें फिलहाल उस आदमी का नाम नहीं बताया जाता। जेकब सीना के पास आता है और बताता है कि वो स्प्रिट मिस्टर पी के बेटे लोमी की है। फिर हमें सीना के अंकल मिस्टर वा का घर दिखाया जाता है, जहां अलीपति उनके पास वही टैटू टूल लेकर आता है जो जेकब ने उसे वापस किया था। अलीपति मिस्टर वा को बताता है कि पिया मुत्तू की स्प्रिट अपनी शर्म खत्म करना चाहती है। मिस्टर वा हंसते हुए पूछते हैं कि क्या वो इन सब कहानियों पर यकीन करता है। अलीपति मिस्टर वा से जानना चाहता है कि मिस्टर पी का बेटा लोमी कहाँ है। वा कहता है किसी को नहीं पता कि लोमी कहाँ है। अलीपति कहता है कि जेकब ने उसे एक ऐसे लड़के के बारे में बताया है जिसने एक नेकलेस पहना हुआ है, और उसे लगता है कि मिस्टर वा के शेड में उसने वैसा ही नेकलेस देखा था जिस शेड में मिस्टर वा हमेशा ताला लगा कर रखता है। अलीपति उस शेड को देखना चाहता है। मिस्टर वा उसे ड्रॉर से चाबी निकालने को कहता है और मौका पाते ही उसके सिर पर हमला कर देता है। उधर हम जेकब को देखते हैं जो शेड का ताला तोड़कर अंदर आ गया था। वहाँ एक अलमीरा होती है। उस अलमीरा को तोड़ने पर हमें उसके अंदर एक कंकाल दिखाया जाता है जिसने पॉइंटेड नेकलेस पहना हुआ था, जैसा हमने मिस्टर पी के बेटे लोमी के गले में देखा था, और वो लोमी का कंकाल था। मतलब मिस्टर वा ने ही लोमी को वहाँ छुपाया था, लेकिन क्यों? तभी सीना की हालत खराब होने लगती है। टैटू बड़ी तेजी से उसके शरीर में फैल रहा था। जेकब लोमी की आत्मा से बात करता है और कहता है कि उसे पता है कि लोमी भागा नहीं था और उसकी शेम अभी खत्म नहीं हुई है। तभी पीछे से मिस्टर वा आकर जेकब पर हमला कर देता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है। जेकब मिस्टर वा पर भारी पड़ता है। मिस्टर वा बताता है कि लोमी की पिया इन्फेक्टेड हो गई थी उसकी गलती की वजह से। जेकब कहता है कि उन्हें लोमी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। मिस्टर वा कहता है कि लोगों को अगर उनकी इस गलती के बारे में पता चल जाता तो वो हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाता। खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उसने लोमी को वहीं मार कर अपने शेड में छिपा दिया और सबसे यही झूठ बोला कि लोमी अपनी पिया से डर कर भाग गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीना के शरीर पर लोमी की स्प्रिट टैटू बना रही है। सीना दर्द की वजह से चीख रही थी और एक समय पर तो उसे दर्द होना भी बंद हो गया था। तभी मिस्टर वा जेकब पर हमला करता है। अलीपति एन वक्त पर आकर जेकब को वही टैटू टूल पकड़वाता है और उस टूल की मदद से जेकब मिस्टर वा की गर्दन पर हमला कर देता है। और फिर हम लोमी की स्प्रिट को देखते हैं जो सीना को छोड़कर मिस्टर वा के ऊपर टैटू बनाने लगती है। तभी वहाँ लोमी के पापा आते हैं और अपने बेटे के कंकाल को देखते हैं। लोमी की स्प्रिट भी उन्हें देख रही थी। वो लोमी से माफी मांगते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को गलत समझा। उसके बाद वो अपनी टी शर्ट उतारते हैं और मिस्टर वा को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाते हैं। अलीपति उन्हें रोकता है और कहता है कि इस आदमी को उसकी शेम के साथ जिंदा रहने दो, जो मरने से भी ज्यादा पेनफुल है। जिसके बाद मिस्टर पी मिस्टर वा को अपनी पिया उतारने को कहता है।
मिस्टर वाद दराती लेकर अपने शरीर से पिया को काटने लगता है और दर्द के मारे उसकी चीखें निकलने लगती हैं। जेकब सीना को लेकर वहां से चला जाता है और वापस आकर सीना की बैक पर बने टैटू को एक नया रूप देता है। उधर हम समोआ जाति के लोगों को मिस्टर पी के घर पर देखते हैं। उन सबको सच्चाई पता लग गई थी और मिस्टर पी की फैमिली को उनका सम्मान वापस मिल गया था। मिस्टर पी अपने बेटे लोमी का रीति रिवाज से क्रियाक्रम करते हैं और हम सीना की बैक पर एक खूबसूरत से टैटू को देखते हैं। जेकब सीना को लेकर वापस अपने घर चला जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।